सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष का ताज मदन ठाकुर के सर पर सज चुका है, जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। ये जानकारी सिरमौर के जिला अध्यक्ष मंडल चुनाव प्रभारी विनय गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मदन ठाकुर के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन नहीं किया था। हालांकि कुछ दिनों पहले करीबन 12 कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए इच्छा जरूर जाहिर की थी, लेकिन किसी ने भी आवेदन नहीं किया। सोलन भाजपा मंडल का ताज मदन ठाकुर के सिर सज चुका है, जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। ये जानकारी सिरमौर के जिला अध्यक्ष मंडल चुनाव प्रभारी विनय गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मदन ठाकुर के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन नहीं किया था। हालांकि कुछ दिनों पहले करीब 12 कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए इच्छा जरूर जाहिर की थी, लेकिन आज किसी ने भी आवेदन नहीं किया और मदन ठाकुर को अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति जताई गई, जिसके चलते मदन ठाकुर ने सोलन भाजपा मंडल की कमान संभाल ली है। विनय गुप्ता ने बताया कि भाजपा कार्यालय में करीब 124 बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया और मंडल अध्यक्षों के लिए अपने अपनी सहमति जताई। उन्होंने बताया कि सभी अध्यक्षों ने एक स्वर में मदन ठाकुर को अपना मंडल अध्यक्ष चुन लिया है। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप को जिला का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। हमारे पास जो चुनौती है वो सबको साथ लेकर चलने की है और इसमें हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा और जिस कार्यकर्ता में जो क्षमता होगी उसको उसके हिसाब से जो है वो काम दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हम आगे ले जाएंगे और आगामी जो 2022 का हमारे पास लक्ष्य है हम उसमें यहाँ से भारी मतों से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।